बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं आज की स्लाइड्स की जानिब। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज हम 1.32.2 को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, ये हमने पढ़ना है। फर्स्ट है हाउ मैनी मिलियंस मेक 1 बिलियन। तो कितने मिलियंस जो है मिलकर 1 बिलियन बनाते हैं, तो ये इसका आंसर है इट टेक्स 100 मिलियन टू मेक 1 बिलियंस। यानी कि हमारे पास 100 मिलियंस होंगे तो ही हम 1 बिलियंस बना पाएंगे। उसके बाद है जी हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक 1 लाख। कितने थाउजेंड्स मिलके 1 लाख बनाएंगे, इट टेक्स 100,000 टू मेक 1 लाख। 100,000 होंगे तो ही आपके पास 1 लाख बन सकेंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है जी हाउ मैनी लैक्स मेक 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। इट टेक्स 10 लाख टू मेक 1 मिलियन। यानी कि हमें 10 लाख अगर होंगे हमारे पास तो देन हम उसे कहेंगे कि ये 1 मिलियन है। हाउ मैनी मिलियंस मेक 10 करोड़। कितने मिलियंस मिलकर 10 करोड़ बनाएंगे, तो इट टेक्स 100 मिलियंस टू मेक 10 करोड़। तो अगर 100 मिलियंस बनेंगे मिलेंगे तो फिर जाके वो 10 करोड़ तक हम पहुंचेंगे, हमारी कंपनी 10 करोड़ तक पहुंचेगी। ओके, ये पाकिस्तानी और इंटरनेशनल वे को मिक्स करके उन्होंने बताया कि कितने मिलियंस होंगे तो कितने करोड़ बनेंगे, या कितने लैक्स होंगे तो कितने मिलियंस बनेंगे। ये आपने रिमेंबर करना है, उसको अच्छी तरीके से लर्न करना है आपने। नेक्स्ट है फोर पार्ट, कंसीडर द नंबर। एक नंबर उन्होंने आपको बता दिया है। नेम द वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इनिट एट द 10 प्लेस। उनका 10 मिलियन प्लेस पे कौन सी है, तो हम इसे काउंट करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 मिलियन। मिलियन यानी कि आपने इस तरीके से इसको इंटरनेशनली काउंट करना है। हम दोबारा इसको फिर देख लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000। तो आप क्या तक पहुंचेंगे, आप 3 पोजीशन तक पहुंचेंगे, देन आप कहेंगे इसको ये 10 मिलियन है। उसके बाद आपका सेकंड है जी 100,000 प्लेस कौन सी है, 100,000। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो इसी तरीके से आपने इसमें जो भी आपको नंबर दिया गया आपने उसके वे में काउंट करके आपने बताते जाना कि हम किस किस पोजीशन पर पहुंचे हैं। तो अगर करोड़ की बात कर रहे हैं तो वो आप पाकिस्तानी वे में डिस्कस करेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, इसी तरीके से लैक 10 लैक करोड़, इसी वे में आपने इसको डिस्कस करते जाना है। आपने बुक से अपनी वैल्यू को टैली करना है कि आपकी वैल्यू जो भी हो, या आपको कोई भी गिवन नंबर दे दिया जाए, आपने उसको पाकिस्तानी और इंटरनेशनल वे में काउंट करके जिस डिजिट पर हमें जिस डिजिट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है तो वही उन्होंने हमें बता देना है। ओके, सिमिलरली आपने ये जो 10th प्लेस इसके बारे में बताना है, ये 1, 10th, तो ये 1 आपका किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो आपने वो राइट कर देना है। ओके, इसी तरीके से 1, 10, 100, 1000, तो 1000 जो है वो हमारा 6 पर आ रहा है, तो जब 1000 प्लेस के बारे में पूछा तो ये 6 है। इसी तरीके से आपने 1, 10, 100, 100 हमारा 5 प्लेस पे, तो आपने 5 लिख देना है कि हमारा 100 जो है वो 5 पर आ रहा है। जिस वे में पूछा गया आपने उसी वे में आंसर देना है। मिलियन बिलियंस में पूछा तो आप मिलियन बिलियंस के टेबल्स को पढ़ते जाएंगे और उस जो इंडिकेटेड वर्ड है या जो भी आपको पूछा गया उसके बारे में बताएंगे। अगर पाकिस्तानी वे है तो आप पाकिस्तानी वे में बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो वो 0 है। हमें पता है कि छोटा नंबर होल नंबर्स में 0 ही होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, वो 1 है। होल नंबर्स में काउंटिंग 0 से शुरू होती है और नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग 1 से शुरू होती है, सो फोर्थ चलती रहती है। उसके बाद द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको पता है ग्रेटेस्ट डिजिट हमारा 9 होता है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप 4 times 9 राइट करेंगे तो ये आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट इज, ऑड नंबर भी हो और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर भी हो तो वो 999, आप इसको राइट करेंगे। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट्स अगर आपने एक वैल्यू लेनी है स्मॉलेस्ट, ये तो ग्रेटेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट लेंगे तो आपने क्या करना है, 3 आपने 0 प्लेस करने और 1 यानी कि 1000। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये 4 डिजिट आपकी बन जाएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके जी, आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।